पोर्टफोलियो पे, अगर हमारी प्रोडक्ट स्ट्रांग ना होती तो ओरिफ्लेम 50 साल से मार्केट में ना होता, 5 साल बाद पैसे समेट के भाग गया होता हर मुल्क से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में गए हैं वहां पे जाके बैठे हैं, हम भागे नहीं, हमने बकाया है। श्रीलंका में डीएक्सएन भी होती थी, टाइम्स भी होती थी, एक और कंपनी शनैल वो भी होती थी, और 3-4 और कंपनीज भी होती थी। आज श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ ओरिफ्लेम है, बाकी सब कंपनीज जा चुकी हैं। देयर इज नो कंपटीशन। आज से चंद साल पहले बहुत कंपटीशन था, क्योंकि 6 कंपनीज काम कर रही हैं और आज सिर्फ और सिर्फ ओरिफ्लेम है। वहां पे आप एयरपोर्ट पे उतरे, टैक्सी रिक्शे को कहें कि जी मुझे ओरिफ्लेम जाना है, थक करके आपको ओरिफ्लेम के पास जाएंगे, ये नहीं पूछेंगे जी ऐ तो सजे तो नहीं होना उनके तो जाकर जाना नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, आप बैठे रहे वो आपको डायरेक्टली वहां पर लेके जाएंगे। इट्स अबाउट द वर्थ ऑफ द कंपनी। 18-20 साल से वहां पे है, हम कहीं से जाते नहीं है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट स्ट्रांग है। तो प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, वो खुद ही पहुंच जाएगी, क्योंकि वो तो पार्ट है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचा के प्रोडक्ट आप नहीं पहुंचा सकते। आप प्रोडक्ट पहुंचाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ जुड़ी हुई है, वो पता चलनी ही चलनी है। सो लोगों को, जो लोग क्या करते हैं, वो जाते ही लोगों को ज्वाइन करने का कहते हैं पैसों के बारे में बता के। नो, आपने लोगों के घर में 2-4 ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट पहुंचानी है, ये टीम खुद ही बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर जब लोग प्रोडक्ट मांगेंगे आपसे, आप उनको कहेंगे कि डिस्काउंट चाहिए, आप खुद ज्वाइन कर लें। साल के लिए 500 रुपए आपने इन्वेस्ट करने, पूरे साल के लिए, कौन से रोज रोज देने। आपको एक साल तक मेंबरशिप है, अगले साल खुद ही हाफ प्राइस पे रिन्यू हो जाएगी, 249 रुपए पे रिन्यू हो जाती है। सो ये टीम आपकी ग्रो करना शुरू हो जाती है और आपका ओरिफ्लेम में सक्सेस प्लान में सफर शुरू हो जाता है। और इस सक्सेस प्लान में जब आप हमें ज्वाइन करते हैं, आप कंसल्टेंट होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपका सफर जब ऊपर की तरफ पहुंचता है, तो डायरेक्टर लेवल पे आपको पहला कैश अवार्ड 75,000 रुपए का मिलता है। और यहां से आपका हकीकी सफर शुरू होता है ओरिफ्लेम में, बिकॉज ऊपर वाले टाइटल्स की तरफ जब आप बढ़ते चले जाएं, तो जब आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के लिए क्वालिफाई करना शुरू करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि ओरिफ्लेम असल में है क्या। अभी जो आप लोगों के जहनों में तसव्वुर है कंपनी का, वो अभी आपको पता ही नहीं है कि कंपनी है क्या। जब आप इंशाल्लाह अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो फिर आपको पता चलेगा इस कंपनी का स्केल क्या है पूरी दुनिया में, और ये क्या क्या कर रही है, क्या क्या ऑफर कर रही है पूरी दुनिया में। ओरिफ्लेम में जी सक्सेस प्लान में जो सबसे बड़ा टाइटल अचीव हुआ है, वो है अभी तक डायमंड डायरेक्टर टाइटल, जो के ओरिफ्लेम के नंबर 1 लीडर हैं, कराची से ही उनका ताल्लुक है, गुलाम जिलानी रहमानी, जिन्होंने अचीव किया। 4.5 लाख रुपए का कैश अवार्ड उनको मिला इस टाइटल को अचीव करने पे, और उनकी महाना इनकम भी माशाल्लाह कई लाख रुपए में, और ये सब कुछ पॉसिबल है। मैंने ओरिफ्लेम पाकिस्तान में, ओरिफ्लेम श्रीलंका में, ओरिफ्लेम थाईलैंड में, ओरिफ्लेम इंडोनेशिया में बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज खुद से देखी हैं, आपको बताने लगूं तो आपको यकीन नहीं आएगा, और वक्त भी हमारे पास इतना नहीं है। बट वो लोग जिनके पास हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में आने के लिए बस का किराया तक नहीं होता था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियों में करते हैं, और ये सब कुछ उनको ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी। So this opportunity is very much there and open for everybody. और आप लोग तो माशाल्लाह इस शहर ने तो ब्रांच खुलते ही बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई थी, और ये तमाम फेसेस जो आपको टॉप 15 में भी नजर आते हैं, और ये तमाम लोग मोस्टली इनका ताल्लुक कराची से है, ये आपके दरमियान मौजूद हैं। ये वो टॉप 15 है जो के पाकिस्तान के 15 टॉप लीडर्स हैं, और इसमें से आपको पता है कराची के कितने हैं जी, 9 लोगों का ताल्लुक आपके शहर कराची से है। This shows कि कराची में माशाल्लाह कितना ज्यादा पोटेंशियल है। बाकी जो 6 लोग हैं उनमें से हुमैरा कामरान का ताल्लुक लाहौर से है, फौजिया ज़िया और साइमा का ताल्लुक रावलपिंडी से है, और अकबर फारूकी का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, सबीना जुनेद का ताल्लुक लाहौर से है। सो ये वो 15 लोग हैं जिनमें से कम भी जो कमा रहा है वो हर महीने 1 लाख रुपया कमा रहा है। और क्या इन लोगों में ऐसी चीज है जो आप में नहीं है? सब कुछ एक जैसा, 2 ही आंखें, इनके भी 2 ही आंखें, यकीन करें, टांगे भी 2 ही, इनके इनका मुंह भी एक ही है, 10 मुंह नहीं है जो 10 लोगों से बात कर रहे हो एक टाइम पर, हनुमान इनमें से कोई नहीं है। सो कहने का मकसद है कि इन लोगों में क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों से मुख्तलिफ है, वो सिर्फ एक चीज है
जो शायद कुछ लोगों में ना हो और वो है ट्रेनिंग्स। इनमें से किसी एक को मैं किसी वक्त भी खड़ा कर दूं कि आपको ये ट्रेनिंग देनी है, वो आएंगे, लैपटॉप लगाएंगे, लोग बैठे हैं, वो क्लैपिंग कराएंगे और ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। दे आर एम्पावर्ड। ये किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है इनकी कि तौसीफ आएगा तो ट्रेनिंग होगी, मुझे तो देनी नहीं आती। शीश आएंगी तो ट्रेनिंग होगी क्योंकि मैं तो स्टेप वन नहीं डिलीवर कर सकती। इनको ये मोहताजी नहीं है। दे आर एम्पावर्ड। इन्होंने खुद को उस लेवल पे रखा हुआ है कि एक जो ट्रेनिंग चाहे अपनी टीम की, दूसरी टीमों की, जब चाहे ट्रेनिंग देते हैं। ब्रांच में, लाहौर ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग्स वो लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं। शहजादा आसिम, समीना जुनेद, हुमैरा कामरान, उसके अलावा जो साइमा हैं, दोनों साइमा लाहौर से जो हैं वो करती हैं ट्रेनिंग्स। उमर इशफाक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स। और ये लोग ब्रांच में ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। और जब ब्रांच ट्रेनिंग होती है उसमें सिर्फ आपकी टीम तो नहीं बैठी होती, उसमें तो हर शख्स की टीम बैठी होती है और ये अपना नॉलेज हर किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और ट्रेनिंग्स वो टूल हैं जिसके जरिए आप अपनी कामयाबी को इस कंपनी में यकीनी बना सकते हैं। और आपका एम हर किसी का इंडिविजुअली ये होना चाहिए कि आप विद इन 3 मंथ्स ज्वाइन करने के कुर्सी से उठें और यहां खड़े हों और अपनी टीम को और बाकी लोगों को नॉलेज देना शुरू करें, उनको ट्रेनिंग्स देना शुरू करें। अनलेस आप ये नहीं करेंगे, आपकी कामयाबी होगी, आपकी इनकम भी होगी, बट उस तरह से नहीं होगी कि आपके